हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलॉ एकेडमी। आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है लीनियर एलजेब्रा से 13 जुलाई का। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट m रेज टू द पावर 4, इट मींस m 4 इज इक्वल्स टू i के बराबर है। इट मींस आपके पास आइडेंटिटी मार्क वो है मैट्रिक्स, ठीक है। तो m इज नॉट इक्वल्स टू i, m स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू i एंड m 3 इज नॉट इक्वल्स टू i, ठीक है ना। मतलब आपके पास m, m स्क्वायर, m क्यूब ये आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, जबकि m 4 आइडेंटिटी के इक्वल है। देन फॉर एनी नेचुरल नंबर k, कोई भी नेचुरल नंबर है k, तो m इनवर्स इक्वल्स, इन चारों में से आपको बताना है कि m के इनवर्स कौन होगा, 4k+1, 4k+2 एंड 4k+3 या फिर 4k ओनली, ठीक है ना। तो देखो हमें गिवन क्या है, इसमें m4 हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक है। अगर हम इसे ब्रेक करें, इट मींस m क्यूब इनटू में m इज इक्वल्स टू i में अगर हम इसे ब्रेक करें, ठीक है, इट मींस जो m का रिफ्लेक्शन है वो m क्यूब है हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा अब देखो हमें गिवन क्या है, अगर हम बात करें ये वाली आइडेंटिटी से, तो 4k इज इक्वल्स टू i के बराबर हो गया हमारे पास। ये हमें m4 तो गिवन है ही है कि i के बराबर है, बट जो ये 4k है इसमें अगर हम इसकी पावर, अगर हमारे पास जो 3 है, अगर इसकी जो पावर 3 है वो इसको शो करेगा इस टाइप की कंडीशन को। इट मींस जो आपके पास ये है, ये m के आपके इनवर्स मैट्रिक्स का होगा, ठीक है ना। तो आपके पास जो m इनवर्स होगा वो अब किस टाइप का होगा, देखो 3 पावर शो कर रहा है, इट मींस m की पावर 4k+3 वाला पावर शो करेगा आपका इनवर्स, m इनवर्स की जो वैल्यू आएगी। ये कंसेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है अगर हमने इसको ब्रेक किया है तो m क्यूब में, इट मींस जो m 3 वाला है ये आपके पास इनवर्स मैट्रिक्स को शो करेगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये आपके क्लियर होने चाहिए अगर वो इस कंडीशन में आपको आपको बोले तो, ठीक है ना। थैंक यू।